नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। छिंदवाड़ा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के 5 दिवसीय शिव पुराण के पहले दिन आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के साथ सिमरिया मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद कथा स्थल पर पहुंचकर विशाल जन समुदाय के सामने शिव पुराण का महत्व बताया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने छिंदवाड़ा की भूमि को शिव भक्ति का केंद्र बताते हुए कहा कि शिव भक्त अपनी यात्रा का आरंभ छिंदवाड़ा से ही करते हैं और यह सनातन प्रथा है। छिंदवाड़ा एक शिव शक्ति की भक्ति का केंद्र है और इस जगह एक पौराणिक महत्व है। कथा के आरंभ में पूर्व कमलनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को छिंदवाड़ा पधारने पर धन्यवाद देते हुए कहा, पंडित जी के आगमन से पूर्व छिंदवाड़ा में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उनके कदम यहाँ पड़ने के बाद ही बारिश का मौसम बनने लगा। हम चाहते हैं दोबारा आप छिंदवाड़ा आए और यहाँ के भक्तों को अपने प्रवचन से लाभान्वित करें। ममता गुप्ता की रिपोर्ट। कोई आर्थिक शक्ति नहीं, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है और ये आध्यात्मिक शक्ति के प्रति आप हम सबके बीच में हैं। नाना जी, छिंदवाड़ा के भाइयों बहनों ने 44 का जो मूल तत्व है, छिंदवाड़ा के आसपास का पूरा क्षेत्र जो रहा है पुराने समय से ही शिव आराधना से और शक्ति की आराधना से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो इसके आसपास में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये पुरातन समय में हमारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधकों की तपस्थली रही हुई है। अगर नर्मदा जी जाने वाले हों, गंगा घाट पर जाने वाले हों, सरयू का स्नान करने वाले हों, पहले इस वन क्षेत्र में आकर तप साधना करने के बाद ही वो अन्य क्षेत्र के लिए जाते थे। तो यहाँ तपोस्थली शिव शक्ति है।